thank you, Mr. Bhanushali, Ms. Gupta, thank you so much. And now, over to Shan Saab. Wow, muskurahat, kamal. मतलब आगे जाएं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चंद लाइनें हो ही जाएं सर, है ना? तुम हो तो लगता है, तुम हो तो लगता है मैं हूं, ना हो तो लगता है क्यों हूं, तुम हो तो उड़ता है मन ये, ना हो तो ठहरा सा है क्यों, हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, जिंदगी भर रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, हो सके तो रहना तुम साथ मेरे। Whoa, the magic of Shan Saab यहाँ पे। I was about to ask you कि how was it working with this young music composer? लेकिन सर, आपसे young तो industry में कोई होगा ही नहीं, मतलब Shan Saab, आपसे young सर मतलब energetic कोई हो ही नहीं सकता। How was it working with Amal anyway? नहीं नहीं, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि today of course Amal has you know captured the whole world with his music, लेकिन मैंने Amal का सबसे पहला गाना गाया था। मैनी 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 ईयर्स अगो, पता नहीं गानों का क्या हुआ, लेकिन डब्बू जी ने मैंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहा है, और हम लोग स्टूडियो में दो गाने एक साथ हम लोग डब किए, बहुत प्यारे गाने थे। 18 इयर्स ओल्ड व्हेन ही केम एंड सांग फॉर मी व्हेन नो वन इवन न्यू अबाउट माय म्यूजिक एंड आई एम थैंकफुल नॉट एट ऑल, लेकिन बहुत उस गाने से पता चल गया था कि दिस मैन इज गोना गो अ लॉन्ग वे, एंड ऑफ कोर्स ही टुक हिज टाइम, बट जब उनका वक्त आया तो सबको पीछे छोड़ गया है, and great legacy, great music in his genes, and of course he's taken it forward, and Amal itne saal baad jo ye pehla gana hum log saath mein kiye, thanks to Bhushan ji, who's worked so hard. It's Bhushan ji's brainchild, completely. You know, I'd like to say ki I'm doing good music because of the guidance and the support of Bhushan ji. Wow. So I would like to give it to him, and the lovely writing that Virag sir always gives to my music. Bhushan sir, legacy ki baat hai, usko leke aage chal rahe hain aap T series ki, aur हिट पे हिट, हिट पे हिट, मतलब यू जस्ट किलिंग इट एवरी डे विद एवरी सॉन्ग सर, क्या है? अब प्लानिंग क्या है, मतलब प्लानिंग नहीं, अब ये बात, ये क्वेश्चन का जवाब मैं हर हफ्ते दे रहा हूँ एक्चुअली। जस्ट किल्ड इट वन मोर टाइम, अगेन वापस बोल देता हूँ, कुछ प्रेस उस दिन थी, कुछ आज है। सी एक As I said last time also, कि हमें एक म्यूजिक को इट्स ये प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट कि सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक चलता है, इट्स अ नॉन फिल्म थिंग विच वॉज वेरी बिग इन 90s, बहुत न्यू कमर्स को चांस मिलता था उस प्लेटफॉर्म पे, सो हमारी और हमारी कंपनी की और टीम की यही एक कोशिश है कि हम उस टाइप का प्लेटफॉर्म वापस लेके आ सकें, और जिसको हम काफ़ी हद तक अब लग रहा है कि जिस तरीके से सक्सेस मिल रहे हैं, नॉन फिल्म सॉन्ग्स आर वर्किंग एज गुड एज बॉलीवुड सॉन्ग्स। जो लास्ट वीक हमने एक गाना लॉन्च किया था राहत फतेह अली खान साहब के साथ, इट हैज़ डन फिनोमिनल, इट हैज़ डन 3 million हिट्स इन जस्ट 4 days, विच इज़ वेरी गुड, एंड अभी वाइल वॉचिंग द सॉन्ग आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द जो व्यूज आ रहे थे और जो कमेंट्स आ रहे थे, इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कमेंट्स ऑन द सॉन्ग, अगेन वी हैव डन इट, इट इज़ जस्ट 2% डिसलाइक्स, विच इज़ वेरी गुड, सो दिस इज़ इट एक्चुअली। एक चीज़ को आगे बढ़ाना और जिस प्लेटफॉर्म पर न्यू कमर्स को भी चांस मिल सके, लाइक अमाल ऑल्सो फॉर मी वॉज अ न्यू कमर 1.5 years बैक, अभी थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन स्टिल इट्स गुड, एंड शान ऑफकोर्स ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, आई नो हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एंड टूडे इज आज बहुत, बट यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी टूडे, सो आई एम वेरी, so all the best to all means, and Virag has written beautiful lyrics, and I don't want to forget Alia, she has done a fabulous job means, इन्होंने मुझे नहीं फोन किया, मैंने इनके हस्बैंड ने मुझे फोन किया, who has done a video for me with Imran Hashmi, के आपको वीडियो कैसा लगा, आपने बताया नहीं, पूरा दिन निकल गया, so I told him कि आपकी वाइफ ने आपसे बेटर वीडियो बना दिया, तो अभी so I have to do something else. दोबारा ये सवाल तो नहीं पूछने वाले सर वो आपसे। अमाल, दिस वन्स फॉर यू, मैं रहूं या ना रहूं उसकी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ, 52 million हिट्स
इसका क्या टारगेट रहने वाला है? अभी ऐसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट सी एनीथिंग दैट वी वर्क ऑन, मी विराग सर एंड भूषण जी, इट्स ओनली आउट ऑफ प्योर ऑनेस्टी. एंड हम लोग ऐसे व्यूज के बारे में नहीं सोचते. वो अगर गाना अच्छा हो, लिरिक्स अच्छा, एंड वी हैव अ ग्रेट वीडियो, दे हैव एक्टेड सो वेल, ही संग सो वेल, सो आई थिंक इट्स अ ग्रुप एफर्ट, एंड वंस दैट इज देयर एंड इट्स एन ऑनेस्ट थिंग, आई थिंक वीडियो विल गेट अ लॉट ऑफ व्यूज. अभी अभी से होने लग गया, आई एम श्योर इसके साथ भी होने वाला है. ब्रेक द इंटरनेट, रूल द इंटरनेट. मेरा ट्विटर ऑलरेडी थोड़ा पागल हो रहा है ऑलरेडी, सो आई एम होपिंग इट विल किल इट. जरूर से होगा. कुछ ट्रेंडिंग वेंडिंग कुछ अभी पे आ गए हैं सर, ऑलरेडी गाना अब तक लॉन्च नहीं हुआ. क्या बात है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होगा. आलिया, आपसे पूछना चाहूंगा, चीटिंग क्यों की लास्ट में? स्टोरी भी आप ही की है, बहुत नाइंसाफी थी. देखिए कितने दिल तोड़ दिया आपने. व्हाट इज दिस? आई ऑलवेज ग्रू अप नोइंग रीडिंग लॉट ऑफ हैप्पी लव स्टोरीज वेयर यू ऑलवेज नो दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर बेस्ट. So this is my answer, that not everything that happens in life is always for best. So you must always move on. I mean, that's where it came from. Talking about this fresh jodi, Tapsee and Tapsee, aapsi koi nahi hai, wo to matlab kya hi sakte hain.